इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लगभग जो है टूट गया है और इसकी घोषणा जो है कभी भी हो सकती है। आज पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा चुनावों का जो है ऑफिस जो है उसका उद्घाटन आज सीएम ने वर्चुअल रूप से जो है कर दिया है और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जैसे बार बार नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष जो हैं और सीएम के बयान आ रहे हैं कि दसों की दसों सीटों पर जो है लोकसभा सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाएंगे। ऐसे में जेजेपी ने एक अहम बैठक जो है आज बुला ली है और प्रत्याशियों की घोषणा के लिए या प्रत्याशियों को कैसे जो है लाया जा सकता है मैदान में, इसके लिए जो है मंथन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव में लगभग जो है टूट गया है। इसके लिए जेजेपी को जो है मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि बीजेपी इस समय पूरी तरह प्रफुल्लित है और इसके लिए पीएम जो मोदी हैं वो हरियाणा में जल्दी जो है दौरा कर सकते हैं और आज वर्चुअल रूप से जो 90 विधानसभा में चुनावी कार्यालयों का जो उद्घाटन हुआ है इससे भी जो है साफ संकेत ये नज़र आ रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी अकेले जो है लड़ने जा रही है क्योंकि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम के साथ साथ वो पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उनका भी जो है दाव लगा हुआ है और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में वो भी 10 उम्मीदवार जो हैं अकेले उतार सकते हैं, ऐसा जो है सूत्र बता सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और आप में जो है समझौता हुआ है, कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आपके खाते में गई है, आपके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता वो प्रत्याशी जो हैं आप और कांग्रेस के सांझे वहां पर होंगे, बाकी नौ जो है लोकसभा जो सीटें बची हैं वहां पर कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं। मंथन चल रहा है कांग्रेस के बीच में भी और बीजेपी के अभी जो सूत्र बता रहे हैं लगभग जो हैं लोकसभा उम्मीदवार तय हो चुके हैं, इसकी घोषणा जो है जल्द हो सकती है और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि दड़ादड़ जो है पुराने जो इनके शिलान्यास करने या उद्घाटन करने हैं उन पर जो है लगातार काम चल रहा है और पीएम ने भी एक महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास जो है यहाँ पर करना है हरियाणा में और इसी को लेकर क्या ये लगाया जा रहा है कि 11 मार्च के बाद कभी भी जो है लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज सकता है और पूरे देश में लोकसभा के कौन उम्मीदवार होंगे इसको लेकर जो है पार्टी मंथन कर चुकी है। सीएम जो है खुद ये पूरी कमान जो है अपने हाथ में लिए बैठे हैं, चुनाव कैसे होगा किस दृष्टि से होगा इसको लेकर लगभग 1000 मोबाइल वैन जो हैं वो हरियाणा में आगे निकट भविष्य में जो है छोड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने क्या का जो है काम इस देश के लिए किए हैं और सीएम ने क्या हरियाणा के लिए काम किए हैं, एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है हर गाँव हर शहर में जो है चलाई जाएगी और उस एलईडी वैन के माध्यम से बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार ने कितने काम जो हैं हरियाणा में किए हैं। उधर जेजेपी के लिए मुश्किल ये है क्योंकि विधानसभा में जेजेपी और बीजेपी का चुनावी गठबंधन हो गया था बाद में क्योंकि बीजेपी पूरी तरह बहुमत में नहीं आई थी, लेकिन जेजेपी को साथ मिलाकर डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला को बना दिया गया था, जेजेपी को साथ मिलाकर उन्होंने सरकार बना ली थी। हालांकि अजय चौटाला जो पार्टी सुप्रीमो है उनका बार बार ये दावा था कि बीजेपी और जेजेपी जो है मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज जो वर्चुअल उद्घाटन हुए हैं और पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव जो है पार्टी अलग लड़ने की तैयारी जो है कर चुकी है और दसों के दसों लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार उतारने हैं वो भी जो है बिल्कुल तय कर दिए गए हैं, उसकी घोषणा जो है जल्द कर सकती है। अब दुष्यंत चौटाला ने भी एक मीटिंग बुलाई है, अजय चौटाला जो है उस मीटिंग में है और साथ में प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह वो भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे और मंथन चल रहा है कि 10 के लोकसभा सीटों में चुनाव किसको लड़वाया जाए। तो लगभग ये तय हो चुका है कि पार्टी जो है लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी और जेजेपी अलग ही लड़ेगी और गठबंधन जो है बिल्कुल टूट चुका है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।